शाम 7 बजे भारत समाचार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक। खबरों के सिलसिले को आइए देंगे विस्तार और सबसे पहले बात करेंगे मोदी की सौगात की। शहजादपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी को गंगा एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात दी। पूर्व को पश्चिम से जोड़ने के लिए बनने वाला ये एक्सप्रेसवे कैसे अलग होने वाला है, हमारी खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मैप पर नजर दौड़ाइए और देखते जाइए उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर, ग्रेटर नोएडा से आगरा, आगरा से लखनऊ और लखनऊ से गाजीपुर तक एक्सप्रेसवे की रफ्तार। ये रफ्तार बता रही है कि यूपी में विकास का रथ कितनी तेजी से दौड़ रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद अब बारी है गंगा एक्सप्रेसवे की, जो यूपी को एक छोर यानी पश्चिम को यूपी के दूसरे छोर यानी पूरब से जोड़ेगा। अब संगम नगरी यानी कि प्रयागराज से मेरठ की दूरी घटने वाली है। अब गंगा किनारे विकास की नई इबारत देखी जानी है, जिसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। ₹36,200 करोड़ से ज्यादा की आएगी लागत। 594 किलोमीटर का होगा एक्सप्रेसवे, 6 लेन का होगा गंगा एक्सप्रेसवे। यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा गंगा एक्सप्रेसवे। 12 जिलों से गुजरेगा गंगा एक्सप्रेसवे। 519 गांव से जुड़ेगा ये एक्सप्रेसवे। मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होगा, प्रयागराज के जुरापुर दांदू गांव तक जाएगा। मेरठ से प्रयागराज 6 से 7 घंटे लगेंगे। शनिवार को शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी को गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात दी। पीएम मोदी ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे किसानों और नौजवानों के लिए तरक्की के कई अवसर लेकर आएगा। गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। मैं आज मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज के एक एक नागरिक को, सब लोगों को विशेष बधाई देता हूं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी को लगातार 6 नए एक्सप्रेसवे की सौगात दी गई है। इसके साथ ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर काम तेजी से हो रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने का लगभग 600 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे न केवल एक्सप्रेसवे यातायात की दृष्टि से होगा, बल्कि इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने, रोजगार के सृजन को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का एक बड़ा अभियान होगा। और उस अभियान के क्रम में जहां पर जो जनपद इससे जुड़ने जा रहे हैं, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज को जोड़ेगा। यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरने वाला गंगा एक्सप्रेसवे देश के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। यही वजह है कि इससे कृषि और इंडस्ट्री दोनों को ही फायदा होने वाला है, बल्कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों को पूरब से जोड़ने वाला ये पहला एक्सप्रेसवे भी है। बताते चले कि एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में हवाई पट्टी भी तैयार की जाएगी, जहां जरूरत पड़ने पर लड़ाकू विमान लैंड कर सकेंगे। जाहिर है गंगा एक्सप्रेसवे से न सिर्फ परिवहन व्यवस्था में तेजी आएगी, जबकि औद्योगिक विकास में भी तेजी आएगी और सुधार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।